अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा दोस्तों, मेरे पास 2024 मॉडल CG125 आया हुआ है, तो टोटल चला हुआ है ये 12,700। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना, इसकी क्लच प्लेट जो है ना, वो अंदर से स्लिप हो गई है। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसकी ट्राई करवा के चेक करवाता हूँ कि इसकी पोजीशन जो है ना वो क्या है। अब मैं इसकी ये गाड़ी स्टार्ट करी है, इसका ये गियर लगा रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, तो ये फर्स्ट गियर जो है लग चुका है। ठीक है, तो अब हल्का से अगर रेस दे रहा हूँ तो हल्का सा जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे ब्रेक लगा के ना अगर इसका क्लच छोड़ रहा हूँ तो इसको बंद होना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये बंद होता है या नहीं चेक करते हैं इसको। ठीक है, यानी कि इसकी क्लच प्लेटें जो है ना अंदर से स्लिप हो रही है, गाड़ी आगे नहीं जा रही। आगे कहाँ से जाएगी, मैंने तो ब्रेक लगाई हुई है, लेकिन फिर भी इसको बंद हो जाना चाहिए था। ठीक है, आगे नहीं जाना चाहिए तो इसको गाड़ी को बंद हो जाना चाहिए था। जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं ना तो इसको बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं फाइनल करके फिर इसी तरह आपको ट्राई करके दिखाऊंगा कि ये किस तरह होनी चाहिए। ठीक है, आए इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। जी जनाब, तो गाड़ी मैंने लिफ्ट पे लगा ली है, तो इसको स्टार्ट करते हैं ओपन करना। तो सबसे पहले जो है ना, हम इसकी किक ओपन कर लेते हैं, फुटेज बार ओपन कर लेते हैं, सेंसर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले जो है ना, मैं इसकी किक ओपन कर लेता हूँ। उधर से लड़का जो है ना, वो थोड़ी मेरी हेल्प करेगा, क्योंकि टाइम जो है ना वो बहुत कीमती है हमारा, तो जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये CG125 के अंदर हर दूसरे मोटरसाइकिल में ये मसला आ जाता है। ठीक है, गाड़ी पावरफुल है, लोग जोर ज्यादा लगाते हैं, जिसकी वजह से ना ये मसला आ जाता है। तो आप लोगों ने इसके बारे में परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। बड़े राजू बेटा, पकड़ो भाई इसको। तो ये सिलेंसर इसका ओपन कर लेंगे। अच्छा, तो इसको गन के साथ खोल लेते हैं, कुछ जल्दी हो जाएगा। हवा खोलो बेटा। खोल दो, खोल दो। जी सर जी, रोटी वाले करा क्या होने की हमें खीर चलो दे दे सौ खेत रहे हो। अच्छा जी, तो इसके सिलेंसर के बोल्ट ओपन करके ना हमने इसका सिलेंसर जो है बाहर निकाल लेना है। एक पुशीदा बोल्ट होता है सिलेंसर का, वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, तो वो आपने याद से खोल लेना है। ठीक है, ये तो बोल्ट आप लोग खोल लेंगे, एक बोल्ट जो है छुपा हुआ होता है। ठीक है, वो होता है यहाँ पे पट्टी के नीचे। ठीक है, ये बोल्ट आपने लाजमी खोलना है। बाद वक्त लड़के जो है ये बोल्ट नहीं खोलते, तो सिलेंसर निकालना शुरू कर देते हैं, ये नहीं निकलेगा। फिर ये ले जी, अब जो है ना मैं आराम से सिलेंसर थोड़ा हल्का सा गर्म है, क्योंकि रेस दी थी, तो इसको मैं आराम से बाहर निकाल लूँगा। ठीक हो गया, तो इस पट्टी को आपने बाहर निकाल के रख लेना, ये गुम हो जाएगी तो मिलती भी नहीं है। मिल तो जाएगी लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिलेगी आपको। ठीक है ना। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है जी, आप छोटे बार लड़का खोल रहे हैं, इतनी देर में मैं कुछ और कर लेता हूँ। तो ये लीवर क्लच की तार जो है ना, मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये बाहर आ गई। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि ये वाली केबल बाहर निकालनी है। तो ये पिट और पेचकस की मदद से निकलेगी। ब्रेक पेट दो बेटा, थोड़ी भी दो ना यार, ये ऐसे यार मांगने पड़ रहे हैं जैसे बच्चे हो आप लोग। चले कोई नहीं, आ जाएंगे। डबल चक्कर प्लस
लाया था मैं, ये रही, ये रही जी। तो इस केबल को आपने हिला के बाहर निकालना है, ठीक हो गया। तो ये बोल्ट ओपन हो गए, फोटो बार भी ओपन हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसका एल निकालना है। एल निकाले बगैर नहीं खोलना, वरना कपड़े हमारे खराब हो जाएंगे, ठीक है। और एक ट्रे भी चाहिए नीचे रखने के लिए, हवा वाली टैंकी चला दो बेटा, हवा कम हो रही है। तो ये ट्रे इसके नीचे रख देंगे ताकि इसका ऑयल जो है ना ये इसके अंदर ही आए। थोड़ी आगे करो बेटा इसको। हाँ भाई साथ, साहिल साहब जी। तो इसके बोल्ट में कर लेता हूँ जी ओपन। फाइनल हो गया गाड़ी बेटा, बिल्कुल छोटे मोटे निशान बिल्कुल खत्म हो गए हैं। बोलिया हम बुला था खान, हाँ जी और पेपर लाया वो बुला के बुलाओ तुम, पेपर ना लाओ एक गाना बुला के लाए। अच्छा ओके हो गया, हाँ बैठ गए बस थोड़े मोटे बाकी को खान के। हवा का प्रेशर नहीं है भाई, हवा का प्रेशर नहीं है। चले बारह गुजारा हो गया है इसका, हवा का प्रेशर बिल्कुल भी। हवा बंद करो बेटा अभी। अच्छा आप इसको निकालते वक्त आपने ये ख्याल करना है कि इसको 22 की चाबी की मदद से आपने इसको ऐसे दबाना है तो ये लीवर खुद ब खुद बाहर आ जाएगा पार्ट आपका, ठीक है। इस तरह अगर आप दबाएंगे इसको 22 की चाबी से तो ये पार्ट आपका बाहर आ जाएगा। तो अब इसको आराम से हिला के आपने बाहर निकाल लेते हैं। फ्रेडर की गेज निकालना लाजमी है, वाइंड को निकालना लाजमी नहीं है, ठीक हो गया। तो इसकी पैकिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह बच गई है, ठीक है। ये वाली देख लें सारी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। वो इसकी वजह क्या है कि मैंने सिर्फ इस लीवर से निकाला, अगर मैं इसको एक साइड पे चोट लगाता या किसी और तरीके से निकालता तो ये टूट जाना था। काम ऐसा करो कि किसी को पता ना चले कि आपने इसका काम किया है, ठीक हो गया जी। आप इसके जो है ना मैं ये बोल्ट ढीले कर लेता हूँ पहले जी। वो भाई शिवार को ले जाओ आप, आप भी इंजेक्शन लगवाओ, उसको भी लगवाओ, जाओ ले जाओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ बरनोले में लग जाएगा, बरनोला फिर उतरवा देना, ठीक है। बरनोले में लग जाएगा फिर बरनोला उतरवा देना है, फिर रात में लगवा देना बस। अच्छा जी इन बोल्ट को खोलने की मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके पीछे पेचकस लगा देना है, ऐसे ऊपर लगा दो, ये देखें इसको आगे हल्की सी चोट भी दे देनी है, ठीक है। अब इसको सपोर्ट मिल गई है, अब आपने क्या करना है। अक्सर लड़के क्या करते हैं, ये बोल्ट तोड़ देते हैं, ठीक है। वो इस वजह से तोड़ते हैं, आगे सपोर्ट नहीं लगाते इसको। अब देखें मैं आपके सामने इसको खोलता हूँ, ये देखें ये बोल्ट ओपन हो गया। अब जो है ना फिर इसको घुमाऊंगा, हटाओ बेटा तो थोड़ा सा और। भाई मैगनेट नहीं निकाला आपने इसका, चेक की दिखा दो मुझे, इसको घुमाना है थोड़ा सा यार। ये इस तरह घुमा लेंगे हल्का सा, चले लगाओ बेटा पेचकस, इसके ऊपर चोट लगेगी हल्की सी, इसको इनके टाइट करके लगाना है, ठीक है। अब जो है ना इसके ऊपर चोट लगाएंगे हम तो ये आसानी के साथ खुल जाएगा। ये ट्रिक आपको कोई भी नहीं बताएगा, सिर्फ और सिर्फ ही आपको होंडा शॉप एफपी पे मिलेगी। चले जी और घुमाओ भाई, निकाल लो इसको, तो हाय हाय थोड़ा सा चले हो गया काम हमारा। चलो लगाओ, थोड़ी सी चोट ऊपर लाजमी लगानी, हाथ की जगह दो बेटा, ये ले जी, ज्यादा नहीं लगानी वरना इधर से टूट जाएगा, ठीक है। ये ले जी, कहीं कहीं पर कोई निशान नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि गाड़ी खुली है या नहीं खुली। हवा खोलो बेटा, तो इसको आराम से बाहर निकाल लेंगे। ये चैन अगर टूट जाए ना ये नया लगाना है, ठीक है। इसकी गफलत नहीं करनी आपने,
तो ये बोल्ट भी हमारे ओपन हो गए, अब ये वाले बोल्ट ओपन कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर लुक क्या है। हवा बंद कर दो बेटा, ना लॉक प्लास आई है ना मिक्सर वाला पेचकस आया है लॉक निकालने के लिए। चले ये पेचकस से मुझे मिल गया, लेकिन मुझे आप लोगों से हैरत होती है, सारा दिन काम करते हैं तो आपको औजारों को पता नहीं है कि क्या काम आना है। चले जी ये लॉक हमारी निकल गई है, लॉक प्लास से भी निकल सकती है, छोटे इस तरह की पेचकस से भी निकल सकती है। तो अब जो है ना हम बक्सा इसका बाहर निकाल लेंगे और आपके सामने देखो भी वीडियो में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये नजर आना चाहिए। बक्सा फोकस करो इसको, फोकस करो इसको, फोकस करो, दिखाओ कि इसको हुआ क्या है। बिलाल भाई सब कुछ क्लियर नजर आना चाहिए। सबसे पहले तो इसका ये वाला बक्सा कटा हुआ है जी, हाउसिंग ठीक है, उसके बाद जो है ना इसकी प्लेटें जो है ना वो डाउन है, ये देखें ये बिल्कुल घिस गई है ठीक है। तो इसकी क्लच प्लेट और इसका क्लच हाउसिंग जो है ना वो चेंज होगा, तो इसको ये नया लगाते हैं ठीक है जी दोस्तों। अच्छा इसकी जब मैं क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट और इसका क्लच हाउसिंग चेंज कर रहा हूँ, पहले मैं आपको इनका रेट बता दूं ताकि आपके जो है ना वो जहन में से ये बात निकल जाए कि 125 का सामान जो है ना वो सस्ता है, बिल्कुल सस्ता नहीं है। ये 250 रुपये की एक प्लेट है और इसके अंदर चार प्लेटें लगनी है ठीक है, हिसाब आपने लगा लेना, ये 1000 रुपये की हो जाएंगी। और इसकी क्लच प्लेट्स ये देखें, ये आएगी सही जी आपको मिलेगी 2500 रुपए की ठीक है, ये वाली क्लच प्लेट जेन्युइन वाली ठीक है। इसके बाद जी अगर आपको इस तरह ना हो तो इसका अगर आप कोड चेक करना चाहें ना तो यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है, तो ये कोड मिला के आप चेक कर सकते हैं क्या है कि जो आप चीज़ डाल रहे हैं वो एक नंबर है या दो नंबर है ठीक है, यानी कि कंपनी का एक है वो सर्च करने वाला कि स्क्रैच करें ठीक है। स्क्रैच करने से आपको ये कोड मिलेगा, कोड से आपको पता चलेगा कि आपकी चीज़ जो है वो एक नंबर है या दो नंबर है। और उसके बाद इसका जो है क्लच हाउसिंग ठीक है, क्लच बक्सा भी बोलते हैं, क्लच हाउसिंग भी बोलते हैं और क्लच हिस्सा भी बोलते हैं इसको ना, तो ये आपको मिलेगा जी 1850 रुपये का ठीक है। अटलेस होंडा का जेन्युइन, ये मैं वो रेट बता रहा हूँ जो कस्टमर को लगता है, होलसेल वाला नहीं है, जो कस्टमर को लगा के देते हैं ये वो रेट है ठीक है। तो बाकी 150 का ऊपर नीचे फर्क होता रहता है। तो आए इसको फिट करते हैं, थोड़ा सा आयल दो बेटा, तो इनको भी ओपन करो बेटा जल्दी जल्दी, तो इनको आयल लगा लेंगे पहले। अगर खुश्क भी फिट कर देंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है, जैसे स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे ऑयल पहुँच जाता है ठीक है। तो बहरहाल मैं इसको लगा लेता हूँ ऑयल। तो जी जनाब, तो इसके सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लच हाउसिंग में अंदर प्लेट रखनी है हमने, उसके बाद प्रेशर प्लेट लगानी है और उसके बाद फिर क्लच प्लेट, तो उसके बाद फिर प्रेशर प्लेट, इसको बुलाओ ना क्या नाम है उसका, हक नवाज के बेटे को बुलाओ, तो उसके बाद फिर ये क्लच प्लेट्स प्रेशर प्लेट्स ठीक है। ये तरीका है इसको फिट करने का, बराबर बराबर लगानी है, ये जेन्युइन फिटिंग कर रहा हूँ, इसकी कोई अल्ट्रेशन नहीं कर रहा। अगर इसकी अल्ट्रेशन वाली वीडियो देखनी है तो वो भी बहुत सारी पड़ी है, इसके अंदर बेहतरीन सी अल्ट्रेशन हो जाती है ठीक है। तो ये कस्टमर की डिमांड है कि भाई मुझे जो है ना इसको ओके करके दे, जेन्युइन करना है, कोई अल्ट्रेशन नहीं करनी ठीक है। तो अब ये बक्सा कम्प्लीट है, अब ये देख सकते हैं कि इसका लेवल जो है ना बिल्कुल बराबर है ठीक है। तो इसको ये यहाँ पे आप इस तरह रख के चेक कर सकते हैं, जब अल्ट्रेशन की जाती है तो ये वाला पार्ट जो है ना वो नीचे चला जाता है, ये ऊपर आ जाता है, तो और भी अच्छा हो जाता है ठीक है। तो इसके अंदर ये हमारे मालिक हैं, इस गाड़ी के आ गए भाई, तो क्या हाल चाल है ठीक है। तो वी आर सिटिंग, कैमरा इधर लगा हुआ है, तो इस भाई ने कहा है कि मुझे जो है ना जेन्युइन क्लच बक्सा जो है ना वो डाल के दे, तो इन्हीं की फरमाइश के ऊपर जो है ना हम इसकी क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट और क्लच हाउसिंग डाल के दे रहे हैं। तो गाड़ी को क्या हुआ था भाई इसको, ये चल नहीं रही थी, आगे जा भी नहीं रही थी बिल्कुल, वे जैसे दे रहे थे कुछ भी हो रहा था, खड़ रही थी आगे नहीं जा रही थी, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह अभी आपको मजा आएगा भाई ठीक है। तो ये इसके अंदर मैंने डाल दिए क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट और इसकी ये सेटिंग कर रहे हैं आपके सामने। तो अब जो पहले भी मैंने आपको दिखाया था, मालिक ने भी आपको बता दिया है कि इसके अंदर क्या क्या खराबी थी ठीक है। तो आपने लाजमी ये एंड तक वीडियो देखनी है और आपको मैं इसकी व्हीलिंग करके दिखाऊंगा
कि गाड़ी तीसरे में कैसे ऊपर आती है। ठीक है, अगर ये वाली सेटिंग कर लेंगे ना आप तो इंशाल्लाह गाड़ी का चौथे में भी उठेगी। ये लाख लगा के उसको घुमाना लाजमी है। ठीक है, अगर घूम गई तो ठीक है, नहीं घूम रही तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाख सही नहीं लगी हुई। तो जी मैं इसके अब स्प्रिंग लगा के ना तो जल्दी जल्दी से इसको मैं मुकम्मल कर लेता हूँ। रात होने वाली है, शाम होने वाली है, दुकान बंद करने का टाइम भी हुआ जा रहा है। अच्छा, न्यू गाड़ियाँ इसको धुलाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर भी इसके अंदर ऑयल जो है ना फिर भी मालिक के कहने के ऊपर यही इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इसको अब धुलाई करने का फायदा ही नहीं है। अगर गंदी गाड़ी होती, अंदर से गंदा इंजन होता तो हम इसको साफ भी करते, धोते भी, इसी साफ सुथरा करके फिर करते तो हमें काम से मतलब है, काम हमारा अच्छा हो जाएगा। तो जी इसकी स्पीड कम कर लेते हैं गाड़ी की। अच्छा जी, आपको आवाज़ से पता लग रहा होगा क्योंकि गोटी जो है ना यहाँ पे सही बैठ नहीं रही, तो मैं इसको टी की मदद से जो है ना वो फुल टाइट करूंगा। टी को टाइट करते हुए क्या करना है आपने, यहाँ पे ये स्पोकेट इस्तेमाल लाजमी करनी है, यहाँ पे पेचकस का इस्तेमाल नहीं। वो हाथ रखो बेटा, आपको बताना पड़ेगा कि इधर हाथ रखे, यहाँ पे पेचकस नहीं लगाना आपने, यहाँ पे स्प्रोकेट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये बक्सा हमारा टाइट हो गया। आप जो है ना हमने इसका ऑयल फिल्टर लगा देना है, इसको ऑयल फिल्टर बोलते हैं। काफी सारे बंदों ने बोला था कि इसको कुप्पा बोलते हैं, कुप्पा आपकी जबान में होगा, असल इसका काम जो है ना वो फिल्टर का है। इसने जो है ना ऑयल को यहाँ पे साफ करना होता है। अच्छा, एक चीज और बताता चलूंगा आप दोस्तों को कि अगर किसी को एटलस होंडा की बुक्स चाहिए मैनुअल बुक काम के हवाले से तो वो मुझे व्हाट्सअप करके मुझसे मांग सकता है, तो उसको मैं डॉक्यूमेंट्स के जरिए सेंड कर दूंगा। टोटली रिपेयरिंग वाली वो बुक है मेरे पास, आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। एक रुपया भी नहीं चार्ज करता किसी भाई से जो मुझे कमेंट्स करता है और वो मुझसे मांगता है या मुझसे व्हाट्सअप करता है तो मैं उसको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, अगर किसी को चाहिए मैनुअल बुक मोटरसाइकिल सीरीज 70 की, होंडा कंपनी या कोई भी ब्रांड की आपको चाहिए तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। उसके अंदर सब कुछ है, यानी कि इनके क्या चीज कितनी घिसी हुई है, कितना चली हुई है, सब कुछ, यानी कि वो एक उस्ताद है बेहतरीन। तो जी इसको अब मैं कर लेता हूँ चार नंबर पे। ये बोल्ट हमारा नट जो है ना वो टाइट हो चुका है माशाल्लाह सही। अच्छा जनाब, तो अब ये प्लेट हम लगा देंगे। प्लेट लगाते वक्त इस चीज का ख्याल करने पे ये जैन टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, अगर टूटा हुआ है तो इसको तब्दील करें, वरना क्या होगा कि आपका कूल रॉड खत्म हो सकता है, गाड़ी गर्म होगी। पिस्टन के ऊपर जो है ना ऑयल यहाँ से जाता है, पिस्टन के ऊपर कूल रॉड के अंदर ऑयल यहाँ से जाता है। ठीक है, तो अक्सर बंदों को यह भी नहीं मालूम कि कूल रॉड के ऊपर जो है ना ऑयल कहाँ से जाता है और पिस्टन को जो है ना ऑयल कहाँ से जाता है। अक्सर मैकेनिक जो है ना वो बोलते हैं जी हेड कवर से जो है ना वो जो है ना ऑयल पिस्टन के ऊपर जाता है। नहीं मेरे भाई, हेड कवर से नहीं जाता, कूल रॉड से जाता है पिस्टन के ऊपर। ठीक है, अगर मेरी बात कोई समझ ना आए, कुछ समझ ना आए तो कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों का एक एक कमेंट्स पढ़ता हूँ और सबको जो है ना मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद जवाब देता हूँ और अपना चैनल जो है ना मैं खुद हैंडल करता हूँ बिल्कुल। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ भी चाहिए हो मोटरसाइकिल के हवाले से तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा, कोई भी आप मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। पिट वगैरह किधर चली गई? ये तो मोटे वाली है भाई मेरे, चले छोड़े इसको भाई, हाथ रखो इसको, चले मिल गई है। असल में आप थोड़ी सी गप्पों में आ जाते हैं उस काम आपका रह जाता है कि आप कर क्या रहे हैं। तो जी ये टाइट हो गया, कोई मसला नहीं है यार, बच्चे हैं ये भी गप शप लगाते हैं, अगर जीदा साए जिंदा इंसान है इनका भी दिल करता है कि गप्पे शप्पे लगा लें। चले जी, बैरिंग के बाद हमने ये रोटी भी लगा ली, ये भी लगा दिया, अब हमारा काम कम्प्लीट हो चुका है। तो जी मैं इसको साफ करके जल्दी जल्दी से आपके सामने इसको फिट कर देता हूँ, तो पार्ट लगा देते हैं अब। ठीक हो गया, तो ये इसके अंदर की सेटिंग थी, आप खुद भी घर कर सकते हैं। मेरी सैकड़ों वीडियो पड़ी है क्लच के ऊपर, हर क्लच की अपनी सेटिंग होती है, अपनी जगह होती है। ठीक है, हर वीडियो की अपनी गुंजाइश होती है, अपनी जगह होती है, तो
तो सारी वीडियो आपने लाजमी देखनी है। वीडियो देखने से आपको क्या मिलेगा, एक सीख मिलेगी, ठीक है। अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो मेरी वीडियो लाजमी दिखा दें। लीवर आपने अंदर दबा के लगाना है, ऐसे लगाएंगे तो कभी नहीं लगेगा पार्ट आपका। ये देखें आप इस बच्चे का काम चेक करें, जो काम करने वाला है वो नहीं कर रहा, जो नहीं करने वाला वो कर रहा है, ठीक है। तो इसका काम बनता था, ये मुझे बोल को साथ देता, चले कोई बात नहीं, सीख जाएंगे ऐसा ऐसा। तो जी साफ साफ बोल्ड जो है ना वो ऊपर लगाने, मैले कुचैले बोल्ड जो है ना मिट्टी वाले वो नीचे लगाने, ताकि हमारा काम जो है ना वो मार्केट में पकड़ा ना जा सके, ठीक है। भले ही आप शोरूम पे गाड़ी बेचने भी जाए ना तो किसी को नहीं पता चलेगा कि गाड़ी का ऑपरेशन अंदर से हो चुका है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि हमने इसको खोला ही ऐसे तरीके से है कि किसी को पता भी नहीं लगेगा कि गाड़ी खुल चुकी है, ठीक है। तो काम इस तरह करना चाहिए आपको, क्योंकि आपका काम जो है ना वो मार्केट में नजर नहीं आना चाहिए, मार्केट में पकड़ा ना जाए, ठीक है, तभी आप उस्ताद कहलाएंगे। नहीं जी अब ये भी बोलना पड़ता है कि हवा खोल दो, तो जल्दी जल्दी से टैप करना है बराबर बराबर, अच्छा। अब जो है ना मैं इसका प्रेशर कम कर लेता हूँ, हवा कुछ ज्यादा है, ठीक है। तो ये भी अंदाजे के ऊपर टाइट करने होते हैं और प्रेशर के ऊपर टाइट करने होते हैं। ऐसे आप इनको टाइट करने शुरू कर देना, ये बोल्ट फिर टूट जाते हैं अंदर। फोकस लगाओ बच्चे जी। तो ये हमारा लग चुका है, आप लगा देंगे इसकी क्लच वाली केबल, उधर से लड़के जो है ना वो मेरे माशाल्लाह लगा रहे हैं फोर्ट्रेस जल्दी जल्दी। तो इसकी सेटिंग जो है ना आपको चेंज करनी पड़ेगी, ये देखें आप इसको जो है ना यहाँ पे टाइट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अब क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट डाल चुकी है, तो लीवर हमारा जो है ना वो बक्सा नीचे जा चुका है, लीवर जो है ना अब आगे आएगा, ठीक है। तो इसके एडजस्टमेंट आप यहाँ पे करेंगे, ये ले जी। अच्छा जी इसको जो है ना प्रेस मुझे लाजमी करना है, वरना यहाँ से केबल जो है ना बाहर निकल जाती है। हाय हाय वहाँ क्लच तो बना है इसका मक्खन की तरह बिल्कुल वीआईपी नरम वाला, ठीक है, मजा आ गया। अच्छा जी अब जो है ना हम इसकी ये वाली केबल लगाएंगे, ऐसे नहीं लगेगी, इसकी केबल बाहर निकालेंगे, इस तरह हल्की हल्की चोट लगाएंगे तभी ये बाहर आएगी। आप इसे निकाल के ना, तो पहले आपने ये स्प्रोकेट के अंदर जो गरारी लगी है उसके अंदर आपने इसको लगा लेना है। तो ये मैं इसके अंदर लगा देता हूँ, ये लग चुकी है। तो इसका आप बोल्ट लगाएंगे, स्क्रू भी कह सकते हैं, बोल्ट भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये मैं टाइट कर देता हूँ इसका, अगर ये इस तरह ना बैठ रहा हो तो आपने क्या करना है, फिर किक लगानी है, किक लगा के इंजन को घुमाना है ताकि केबल जो है ना ऊपर बैठ सके। तो अब मैं लगा दूंगा जी इसका सिलेंसर, अब ये लगाना नहीं भूलना आपने, ये पहले लगा लेनी है, बाद में भूल जाते हैं, टाइम बचाना है अपना और काम का। अच्छा रखो बच्चे, ये लें जी, ठीक हो गया। अच्छा अब क्या करना है, यहाँ पे ये देखें जंग आया हुआ है, ठीक है सर। इसको क्या करना है, हल्का हल्का एल लगा देना है, ठीक है। जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से हल्का हल्का धुआं निकलेगा, लेकिन इस पर जंग जो है ना वो कभी नहीं आएगा, इसके ऊपर सिलेंसर की कसाई जो है ना वो बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आपने एल लगा के ही लगानी है, तो इसके 10 नंबर के दो नट होंगे वो लगा देंगे। अच्छा भाई ये लेंगे चूड़ी के ऊपर भी हल्का सा एल लगा देंगे, ताकि नट हमारे अच्छे से टाइट हो सके। लाओ बच्चे लाओ, शाबाश। आज तो माशाल्लाह जी उस्ताद इकराम खा गया है जी, बोलने से पहले जो है ना उसने औजार मुझे दे दिए कि उस्ताद जी आप ये ले इससे काम करें, माशाल्लाह मज़ा आ गया। जब शागिर्द इतना करना लग जाए तो समझे कि वो अब तैयार है दुकान लगाने के लिए, तो उनको रुख्सत करना चाहिए, है ना इकराम साहब।
है ना जी बिल्कुल। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो इसका ये नीचे वाला बोल फिलहाल है मतलब लगा दिया है, तो अब जी मैं इसकी लगा देता हूँ किक। तो गाड़ी हमारी हो गई है फाइनल, तो अभी इसका सिर्फ डालेंगे एल। एल कौन सा डालना है? एल किसका? वही डालना है जो इसका पहले निकला था, किक का बोल दे देगा। अच्छा जी तो अगर फिलहाल ने बोल्ट भी लगा दिया भाई, 12 की चाबी दे दे बेटा। शोर कम करें और काम ज़्यादा करें। ऐड कर लो आप भाई, जल्दी जल्दी करो। अच्छा जी तो आगे तो आ रहा है बिलाल साहब, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को। बस भाई तो जी ये इसकी टाइट कर देगा उजार था बच्चे। अच्छा आप इसके अंदर ऑयल डाल के ना तो हम करने लगे हैं इसको स्टार्ट। स्टार्ट करके आपको इसकी व्हील ही चेक कराते हैं कि गाड़ी व्हील जो है ना कैसे उठाएगी। ठीक है तो पहले मैंने जब चेक किया था ना आपको बताया था कि इसकी ये वाली सेटिंग होगी कि गाड़ी को बंद हो जाना चाहिए। तो अब देखते हैं गाड़ी हमारी बंद होती है कि नहीं होती, तो ये भी चेक करना है हमने इसको। ये लें जी ये काम हमारा कंप्लीट हो गया जी। तो अब सिर्फ इसके अंदर ऑयल डालना है, ऑयल डाल के गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। जल्दी से डालो इसके अंदर, नहीं भी वो जो निकाला है वही डालना है। ये लें जी इसके अंदर ऑयल डाल रहे हैं, ऑयल डालते ही जो है इसको स्टार्ट करते हैं। तो कमेंट्स करके लाजमी बताइए कि आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो, लंबी सी वीडियो कैसी लगी है। छोटी सी तो नहीं, छोटी सी शार्ट है जो मेरी वायरल है ना, वो 19 सेकंड वाली वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह 94 मिलियन दे चुकी है। तो आप लोगों ने लाजमी देखनी है कि किस तरह की वो वीडियो है, तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको उसे देख के मज़ा आएगा। तो ये ऑयल डल चुका है, लिफ्ट नीचे करो बच्चे। तो जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं जी स्टार्ट। ये ले जी गाड़ी नीचे करो भाई, गाड़ी नीचे उतारो। आ जाओ बिलाल साहब, आपने कैमरा पकड़ना है और मैंने अब ट्राई करनी है कि आया थे ये वही गाड़ी है जो पहले मैंने दिखाई थी आपको कि कराची छोड़ने के ऊपर ना ये गाड़ी स्टार्ट थी, बंद नहीं हो रही थी। अब जो है ना मैं इसको अब देखते हैं बंद होती है कि नहीं। ओए ये तो माशाल्लाह जा रही है, इसको क्लच पकड़ के ये देखे जी गाड़ी फिर भी आगे निकल रही है। तो ये होती है इसकी सेटिंग, ये कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके पीछे वाले व्हील में हवा जरा कमजोर है, हवा भरो इसके अंदर, हवा भर के जो इसको थोड़ी सी बैंड ट्राई करते हैं आपको दिखाते हैं। ये तो इसको बैंड चेक करते हैं आपको दिखाते हैं कि एक व्हील उठाता है या नहीं उठाता। ये ले जी देखें जी गाड़ी जो है ना माशाल्लाह हाथ में नहीं आ रही, निकले जा रही है गाड़ी जो है ना हाथ में नहीं आ रही, निकलती जा रही है। तो माशाल्लाह गाड़ी हमारी ओके हो चुकी है। तो अब गाड़ी करते हैं कस्टमर के हवाले। ठीक है तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसी वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सर जी माशाल्लाह क्या ही बात है सर जी, गाड़ी बहुत अच्छी। बताएं आपको कैसा लगी गाड़ी? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा माशाल्लाह, पिक बहुत बन गई इसकी, पिक आ गई है। हाँ बहुत बहुत बहुत। पहले क्या है इसका बहुत मसला था उस्ताद साहब, ये बिल्कुल ऐसे चल ही नहीं रही थी, अब ये कहती है कि एक मील पर चलाओ। हाँ बिल्कुल, चौथे में तीसरे में सब गियर में हो, ये कहती है चलो। अस्सलाम वालेकुम।